Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is ambience. It was a request by Gemini girl, and Gemini girl, here's your lesson. Ambience is a noun and it means character, atmosphere or feel a place have. ठीक है, कोई भी जगह, उस जगह का एटमोस्फियर कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है, आपको वहां जाकर फील कैसी आती है, ठीक है, वो उस जगह का एम्बियंस कहलाएगा. जैसे कि अगर आप किसी जगह पर जाते हैं और उसका जो इंटीरियर इस तरह का हुआ है जो बड़ा ही लग्जूरियस किस्म का है, आपको वहां जाकर एक बड़ी रॉयल सी फीलिंग आती है या आपको बड़ी लग्जूरियस सी फीलिंग आती है कि आप जैसे किसी पैलेस में आ गए हैं या किसी बड़ी लग्जूरियस जगह पे आ गए, ठीक है, आपको फीलिंग इस तरह की आती है, आप महसूस ऐसा करते हैं, तो आप कहेंगे कि इस जगह का जो एम्बियंस है वो बड़ा रॉयल टाइप है या बड़ा लग्जूरियस किस्म का है, ठीक है. इसी तरह से आप देखें कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसमें कि उनका इंटीरियर उन्होंने इस तरह से किया होता है, बड़ा डार्क कलर्स यूज किए होते हैं, ब्लैक यूज किया होता है या और डार्क कलर्स यूज किए होते हैं और लाइट्स बड़ी मध्यम सी होती है, तो आप ऐसे रेस्टोरेंट में अगर जाएं तो आपको एक बड़ा डार्क सी फीलिंग आती है, उसका एम्बियंस जो है वो आपको डार्क महसूस होता है, ठीक है. तो आप कहेंगे कि इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो बड़ा डार्क है, मतलब उसमें कलर्स इस तरह के हैं कि वो डार्क है और अंदर जाकर आपको फील भी एक किस्म की बड़ी डार्क सी फीलिंग आती है, ठीक है. तो आप कहेंगे कि इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो बहुत डार्क है. इसी तरह से कोई ऐसी जगह है जहां जाकर आपको बहुत प्लेजेंट सा महसूस होता है, बड़ा सूदिंग सा, काम सा, बड़ा प्लेजेंट महसूस होता है, तो आप कहेंगे कि इस जगह का जो एम्बियंस है वो प्लेजेंट है या वो सूदिंग है या वो बहुत ही काम है, ठीक है. जो इर्द गिर्द का एटमोसफियर है ना, उस जगह का जो एक एटमोसफियर बनता है और उस एटमोसफियर की वजह से जिस तरह आप उस जगह पर महसूस करते हैं वो उसका एम्बियंस होता है, कहलाता है, ठीक है. इसी तरह से देखें जैसे किसी जगह पर आप जाएं, आपको बड़ा कूजी और वार्म सा फील हो, तो आप कहेंगे कि इस जगह का एम्बियंस जो है वो बहुत कूजी है या वो बहुत वार्म है, ठीक है. इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको बड़ा हॉरर महसूस हो, आपको बड़ा डर सा लगे, खौफ सा आए, तो आप कहेंगे कि यहाँ का एम्बियंस जो है वो बड़ा हॉरर किस्म का है, यहाँ एक हॉरर सी फीलिंग आती है, डर लगता है, ठीक है. यहाँ किसी जगह का जाकर आपको ऐसे महसूस हो बड़ी मिस्टीरियस सी वो जगह लगे, आपको लगे यहाँ पर बड़ी मिस्ट्री है, शायद इस जगह की बड़ी एक मिस्टीरियस किस्म की हिस्ट्री हो, ठीक है. तो आप कहेंगे कि इस जगह का एम्बियंस मुझे बड़ा मिस्टीरियस लगता है, ठीक है. तो किसी भी जगह का जो एक एटमोसफियर है, उस एटमोसफियर की जो एक फील आपको आती है, उसको हम उस जगह का एम्बियंस बोलते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज आई टोल्ड माय आर्किटेक्ट टू गिव अ कूजी एम्बियंस टू माय रूम, कि मैंने अपने आर्किटेक्ट को जो है, जो मेरे रूम को डिजाइन कर रहा है, ठीक है, उसको मैंने ये कहा है कि मेरे रूम को इस तरह से डिजाइन करो कि मुझे एक कूजी एम्बियंस चाहिए, कि वहां पर मैं अपने रूम में जब जाऊं तो मुझे एक बड़ा ही कूजी किस्म का, बड़ा वार्म किस्म का जो है ना वो फील हो, ठीक है, ऐसी फील आए, तो उसका एम्बियंस इस तरह का हो, ऐसे मेरे रूम को डिजाइन करो. अच्छा जी, हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है, दिस रेस्टोरेंट हैज अ रोमांटिक एम्बियंस एंड इज परफेक्ट फॉर कपल्स, कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका जो एटमोसफियर है वो बड़ा रोमांटिक किस्म का है, उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि अंदर आते ही आपको बहुत ही रोमांटिक सा फील होता है और ये रेस्टोरेंट जो है वो कपल्स के लिए परफेक्ट है. अ थर्ड एग्जाम्पल इज आई विजिट दिस प्लेस फॉर इट्स सूदिंग एम्बियंस, कि मैं इस जगह पर इसलिए आता हूँ कि इसका जो एम्बियंस है वो बड़ा सूदिंग किस्म का है, बड़ा रिलैक्सिंग किस्म का है, इस वजह से मैं इस जगह को विजिट करता हूँ. ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड. आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल. इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो. एस यू लाइक लेसन. अल्लाह हाफिज़.